फील्ड हमारा श्रीलंका के अंदर है। अब सीन ये है कि हमें कुछ लेना था, क्योंकि जुम्मा है आज यहाँ पे, और जुम्मे में आपकी खास बात यह कि सारी मार्केटें क्लोज हैं और यहाँ पे जितने बिजनेसेस हैं लोकली ज़्यादातर मुसलमानों के हाथ में, मुसलमान करते हैं, तो आप देखिए सारी दुकानें बंद हैं यहाँ पे मोस्टली, और हमें पेंट लेने अपने काम के लिए, और पेंट शॉप जो है वो बंद है। तो ये अच्छी बात है। और हम कम से कम कोलंबो 7 से निकले थे, कोलंबो 2 आए, कोलंबो दूसरे पार्ट में 12, कोलंबो 12 पे आ गए, मगर दुकानें जो है बंद है। तो ये बड़ी अच्छा सीन है, देखें पूरी आप देखें पूरी की पूरी दुकानें बंद हैं, तो ये पूरे 1.5 घंटा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा चीज़ें लेने के लिए। तो ये अच्छी बात लगी मुझे कि हालांकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं है, तो यहाँ पे मास्क भी है और चीज़ें भी हैं जो यहाँ पे बंद है। तो ये चावल है, ये जो चावल है, जो चावल आ रहे हैं ये कोई रेड किस्म का चावल है। ये मछली जो ख़त्म हुई जो मैंने कल खाई थी वो मुर्गी का सालन है, ये भिंडी, वो दाल है, और वो उनकी ख़ास किस्म की सब्ज़ी है। तो ये और ये जो है पापड़ के साथ खाते हैं, पापड़ के साथ भी एक सर्विंग है क्योंकि हमारे होटल का रेस्टोरेंट है उसका आए हैं। अभी देखें चावल जो है कटोरे से ये निकाल के दे रहे हैं, क्योंकि मैं मुर्गी का पता नहीं, मुझे कन्फर्म नहीं कर हलाल हराम है। तो ये जो है मैं इस तरीके से ये जो हमें निकलना, तो हमने पार्सल बना लिए, तो पार्सल के साथ हम खा लेंगे। तो बाकी ये चिकन करी और ये फिश करी थी ख़त्म हो गई, यहाँ पर भिंडी पड़ी हुई और वो प्रधान लोगों को किसी ख़ास किस्म की कोई सब्ज़ी हो, सब्ज़ी कोई नहीं होती, अब लग तो वह सब्ज़ी नहीं थी, और ये दाल, ये मेरा पार्सल तैयार हो गया तो सेफ साग, और ये भिंडी भिंडी जो दूसरे भाई ने खानी तो भिंडी आ गई इसके की। यस यस कट। तो मैंने सोचा कि अनानास कटवा लूँ, यहाँ का फेमस है, तो ये अनानास काट रहा है, और ये इनका जो है वो 1 किलो 300 रुपये का है यहाँ के, तो ये तकरीबन 1.5 किलो है, तो ये 400 समथिंग का है के पास का करीब है। ये सेंटर से भी काट भाई इसको, तो अभी सेंटर से भी काट के दे रहे, इसको काटने का स्टाइल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं अभी वो लॉन्ग वॉक पे निकला हूँ, ये जो इनका एक बड़ा पोश एरिया है यहीं पे हम ठहरे हुए एक जगह पे, तो मगर आप गलियाँ देखें इनकी, तो गलियाँ इनकी बहुत छोटी छोटी सी हैं, और यही गलियां हैं, और यहीं पे सारी एम्बेसीज भी हैं, काउंसलेट्स भी हैं, और जो है वो स्कूल भी हैं, तो ट्रैफिक थोड़ा सा जाम रहता है। गलियां आपको दिख रही हैं, गलियां साफ़ सुथरा है इन जनरली। इसके अलावा पानी का ज़बरदस्त है, शायद बारिश की वजह से पानी जो है उनमें जायका बहुत है पानी का, और यहाँ पर आपको मिनरल वाटर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप में खास टैप वाटर है हर जगह। तो ये अच्छी चीज़ है, अनानास और नारियल, तो ये है अनानास हमने यहाँ पर ट्राई किया, बड़ा ज़बरदस्त है। इसके अलावा हमें यहाँ पे जो छोटे छोटे स्टोर्स बने हुए, इनकी रिक्शा जो है वो गेम सीन ऑन है, बाकी इनका एक बहुत बड़ा जो इनका टेंपल है बुद्धिज़्म का, तो वो मैं एक्सप्लोर करूँगा बाद में जाके। बाकी इधर एक मस्जिद भी है जहाँ पे हमें हैं, और ये देखें यहाँ पे ये सऊदी की काउंसलर, ये रेजिडेंट है एम्बेसडर का, यहाँ पे ईरानी है पीछे, उससे पीछे पाकिस्तानी है जहाँ से मैं आ रहा हूँ, पाकिस्तानी एम्बेसी है। तो ये यहाँ का एक बिल्कुल सीन है, और ये आप उसका थोड़ा सा रोड आ देखें, ये देखिए थोड़ा सा उन्होंने इस पर काम किया हुआ है। तो इन जनरली बड़ा पुरसकून है, आप रात को जा, वैसे 6 बजे ये 9 बजे बिल्कुल ही जो है ये बंद हो जाता है, तो सीन यहाँ पर ये है कि 9 बजे यहाँ पर लोग चले जाते हैं, सुबह 4-5 बजे उठते हैं, जो इनकी इबादत है वो करते हैं, फिर ये काम पे आ जाते हैं। तो बड़ी है तो मेहनती काम, मगर थोड़ी सी बड़ी इसको यहाँ के लोगों को गोरा अंग्रेज़ कहते हैं, हर चीज़ बड़ी असूल पसंद है। इवन जो भी आपको ये चीज़ हमने भी पेंट करना था रिक्शे को, तो वो पेंट नहीं कर सके क्योंकि परमिशन का मसला था। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसमें हर चीज़ में परमिशन लेनी पड़ती है, और यहाँ के लोग भी जो है अभी हमने एक काम करना था तो बहुत ज़्यादा देर से और आहिस्ता आहिस्ता कर रहे थे। अब मेरे सामने मस्जिद है,
और ये यहाँ की, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहती मैं चल रहा हूँ ये मुसलमानों का एरिया है, तो मुसलमान पॉपुलेशन काफ़ी है। मुसलमानों में अच्छी बात यहाँ पे ये है कि ये भी बड़ा जो है ख़वातीन चादर वादर लेती हैं। और मैंने आपके साथ पिछले देखा था फ्राइडे के दिन पूरी मार्केटें बंद थी, तो ये भी अच्छी बात है। ये जी ये आमिर भी मॉस्क देख रहे हैं, ये मॉस्क है। और नमाज हो रही है माशाल्लाह से अंदर। जी मॉस्क में नमाज हो रही है। मोटरसाइकिल इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, थोड़ी सी हर किसी ने हैवी मोटरसाइकिल रखी हुई। अच्छा, और रिक्शे इनकी ज़बरदस्त हैं, क्यूट से रिक्शे हैं। मैं आपको आप कैमरा से आगे से दिखाता हूँ। ये मुर्गन टेम्पल है जी, बता रहा था मुझे भी इनका लोकल। और ये देखें यहाँ पे ये टेम्पल है, और यहाँ पे सामने आपको मस्जिद की वो दिख रही है, वो दिख रही है मस्जिद, उधर मस्जिद है। तो ये चले कि अच्छी बात है, हार्मनी सी भी है कि, और ये क्योंकि स्वच्छ एक प्लेस है जहाँ पे लोग इबादत करने आते हैं, तो यहाँ पे शॉप्स वगैरह भी हैं। और आगे भी मैंने गाड़ी से आते हुए देखा था एक छोटा सा, इन्होंने बुद्धिस्ट का बुद्ध का वो स्टेचू रखा हुआ था। पूरा का पूरा आइलैंड है, और बड़ी लेवल की गर्मी है यहाँ पे, बिल्कुल कराची से सिमिलर वेदर है, बल्कि उससे ज़्यादा ह्यूमिड है। और इस टाइम 4 बजे के बाद थोड़ा थोड़ा इनकी जो है वो सर्दी गर्मी जो है वो थोड़ी कम होनी शुरू होती है, अदरवाइज़ ये बड़ा एक्चुअल गर्म इलाका है। तो मैं एक और भी आपको शायद ये दिख रहा है, इसको आते जाते लोग इसकी इबादत करते हों, ये करते हैं। तो ये आ गया, मैं जाना तो नहीं, आगे नहीं चाह रहा था, ये एक और इनका आ गया। चले आगे चलते हैं, थोड़ा क्रिकेट की मस्ती करते हैं इनके साथ, और श्रीलंकन के बोलते हैं हम भी पाकिस्तानी हैं और क्रिकेट खेलते हैं। तो ये सिलसिला है, अब मैं शायद आगे नहीं जाऊंगा, उसके बाद मैं वापस ही आऊँगा अपनी जहाँ से मैं वापस आया था। मैं सिर्फ क्रिकेट की वजह से यहाँ पे आ गया था। तो ये है, ये कोलंबो 10 एंड 12 है शायद। तो ये बड़ा एक्सपेंसिव एरिया कंसिडर किया जाता है, ये होटल वोटल हैं यहाँ पर सारे, और हम भी यहाँ से करीब ही एक होटल वगैरह ठहरे हुए, ज़्यादा दूर नहीं ठहरे हुए। तो Can I play? Yeah. I am from Pakistan. Nice to meet you. So I think cricket. I just is my second day, so I don't know about much. So. How was Sri Lanka? Sri Lanka? It's hot. Hot. It's very hot. And my city is also hot, but it is more hot. So expensive. Huh? Our country. Expensive? I'm sure. Pansal, a Buddhist temple. And the other was a Buddhist temple. Okay. क्रिकेट मैंने खेली इनके साथ पसीने में थोड़ी देर में शराबूर, क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ पे, ह्यूमिड बहुत है, बट क्योंकि
एक तो शायद ये समंदर है तो थोड़ी बहुत हवा चलती है, और ये छोटी गली है तो शायद इसकी में धूप जो है वो इतना असर नहीं करती, अदरवाइज़ अगर आप थोड़ी सी मेन जगह पे जाएं या मैदान में जाएं तो बड़ी गर्मी पड़ती है। और ये ग्रेवयार्ड है, यानी आपको बताया था वापसी में वो, और आगे जो लड़कों ने बताया कि वो मंदिर थे, तो एक मंदिर था और एक टेम्पल था। जी मैं वापस की तरफ जा रहा हूँ अपने अकोमोडेशन की तरफ, यहाँ पे सुना क्या बड़ा रिसेशन है, तो हर बंदा जो है वो यहाँ की जो रिसेशन की वजह से परेशान भी है। पेट्रोल जो है यहाँ पे तकरीबन 350 यहाँ का जो है 300 रुपये का है, और एकदम कुछ रिसेशन की वजह से डॉलर आउट होने की वजह से तो श्रीलंका में इस टाइम बड़ी माली भरान है। तो हर बंदा जो है जिससे भी मिला हूँ अभी तक रोड पे, उसने या तो प्रेसिडेंट के बारे में कुछ कहा है या जो है अपनी परेशानी का इजहार किया किसी ने किसी तरीके से, तो सीन यहाँ पे बड़ा चल रहा है। बट फिर भी इसके अलावा जो बड़ा जो वो एक अलग चीज़ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम इनका, बट सिटी सारी बड़ी साफ़ है। कोलंबो जहाँ तक मैंने छोटा या बड़ा एरिया देखा है वो बड़ा नीट एंड क्लीन है, तो ये सफाई के मामले में बड़े स्ट्रिक्ट हैं, लॉस को फॉलो करते हैं, तो कानून की बड़ी ज़बरदस्त पासदारी है। ये कुछ चीज़ें इनमें हैं जो इनको वैसे काले यूरोपियन भी कहते हैं कि इनके जो कॉलोनियल दौर के बाद भी इनकी जो इन्होंने लॉस रखे हैं वो वैसे ही रखे हैं जैसे हैं, तो ये एक अच्छा एक पॉजिटिव सीन है इधर का। बाकी ओवरऑल जो मेरा तासुर है श्रीलंका के बारे में, अच्छा अच्छे लोग हैं, अपने काम से काम रखते हैं, कोई किसी झमेले में नहीं पड़ता, आप जो कर रहे हैं उनको करने देते हैं, और कोई रश लगा के नहीं आता कि अगर आते हैं तो। और अभी जैसे मैंने उनसे पूछा, क्योंकि शायद वो उन्होंने मुझे बोला कि यार थोड़ा सा मुझे क्योंकि मैंने आपको बताया है, तो फिर मैंने उसको थोड़े से अपने इनसे थोड़े से पैसे दे दिए जो श्रीलंकन के मेरे पास थे। तो कहने का मतलब ये है कि इन जनरली अच्छे लोग हैं, और अभी क्रिकेट भी यहाँ खेल के आया हूँ, तो ये वाला जो पार्ट है क्योंकि पोस्ट पार्ट है आपको मैंने बताया ये श्रीलंका का, और ये बड़ा एक्सपेंसिव पार्ट है। जो मैं आगे निकला था वो क्योंकि मोहल्ला थे जो उससे एडजस्टिंग एरिया था, तो मैं वापस जा रहा हूँ यहाँ पे अपने लोकेशन की तरफ। तो फिर मैं इंशाल्लाह देखता हूँ कि मैं नेक्स्ट और चीज़ जो कवर करूँगा या दिखाऊँगा वो बताऊँगा आपको श्रीलंका के बारे में। पाकिस्तान से इनकी करेंसी डाउन है, थोड़ी सी डाउन है, अगर आपके पास डॉलर्स हैं यूरोज हैं तो बड़ा ज़बरदस्त है, मतलब 300 का डॉलर है और यूरो भी 300 से ऊपर का है वो है। बाकी खाना भी सही है, सस्ता है, मगर चावल है और ज़्यादा, और फिश और फ्रूट के अंदर अभी देखें आगे रिक्शे के अंदर ब्रेड बेच रहा था, जा रहा था ये रिक्शे के अंदर ब्रेड बेच रहा। चले जी मैं फिर इंशाल्लाह आगे आपको देखता हूँ कि आगे क्या चीज़ एक्सप्लोर करता हूँ श्रीलंका के बारे में, फैक्ट्स एंड फिगर को बताता हूँ आपको। जब तक मुझे दिए इजाज़त।